हे गाइस, लादी गेमिंग के न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपको होस्ट और दोस्त हिमांशु। सो गाइस, फाइनली पबजी न्यू स्टेट का सेकेंड अल्फा टेस्ट का जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप किस तरह से प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो वो इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ए टू जेड मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप इंडिया में रहते हो पबजी न्यू स्टेट का। तो चलिए यार, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, पबजी न्यू स्टेट का जो सेकंड अल्फा टेस्ट है ना, उसका जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट होने वाला है 27 अगस्त को। लगभग 3 दिन तक ये चलेगा और गाइस आप 3 दिन तक मजे से पबजी न्यू स्टेट को खेल सकते हो अगर आपने प्री रजिस्ट्रेशन किया होगा, ठीक है। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री में ऑफिशियली यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ एशियन कंट्रीज का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नाम, और गाइस आपको कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज का भी नाम देखने को मिल जाएगा। बस इंडिया को छोड़ के गाइस लगभग बहुत सारी कंट्रीज में इस गेम को लॉन्च करने की पूरी प्लानिंग चल रही है, पर अभी इंडिया में थोड़ा डिले करा गया। तो देखो गाइस, अगर आपको इंडिया में रहकर सेकंड अल्फा टेस्ट को खेलना है तो किस तरह से आप खेल सकते हो, आपको सिंपल प्री रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। वो आप किस तरह से कर सकते हो, अगर आप प्ले स्टोर में जाकर प्री रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ इस तरह का मैसेज शो होगा, दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, ठीक है। अगर आपको कुछ इस तरह का मैसेज शो होता है ना, तो फिर आपको क्या करना है ये अभी आप देखो, ठीक है, सिंपल। तो गाइस आपको यहां पे जितनी भी कंट्रीज देखने को मिल रही है, आपको इनमें से कोई भी कंट्री का एक ईमेल एड्रेस चाहिए रहेगा। जैसे मैं अभी सिंगापुर को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, सिंगापुर का मेरे को एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा। किस तरह से करूंगा, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको सिंपल अपना ना प्ले स्टोर पे चले जाना है, वहां पे जाके आपको एक वीपीएन को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे कि मैं सुपर वीपीएन को यूज कर रहा हूं, आप भी यार सुपर वीपीएन को यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। आपको डाउनलोड करने के बाद जैसे इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद गाइस आपको यहां पे जितनी भी लोकेशन देखने को मिलती है ना, आपको सिंगापुर जो लोकेशन होगी उसके ऊपर आपको इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है ये अभी आप देखो। अगला स्टेप ये कि आपको अपने मोबाइल डिवाइस का सेटिंग्स ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको चले जाना अपना यूजर्स और अकाउंट में। जैसे आप वहां पे जाओगे ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा ऐड अकाउंट का एक ऑप्शन, ठीक है। आपको सिंपल यहां पे एक अकाउंट को क्रिएट करना है। आपको ये याद रखना है कि आपका जो वीपीएन है वो ऑन रहे, ठीक है, उसको आपको ऑफ नहीं करना, वो सिंगापुर से कनेक्ट रहना चाहिए। अब गाइस आपको क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, फॉर माई सेल्फ करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना, ठीक है। फिर आपको नाम वगैरह सब कुछ डालना है, और इसके बाद गाइस आपको एक स्टेप देखने को मिलता है ऐड फोन नंबर, ठीक है, उसके ऊपर आपको स्किप करना है, ठीक है। स्किप करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वगैरह करने के बाद आपका एक नया एक जीमेल अकाउंट जैसे आपका क्रिएट हो जाएगा ना, तो फिर आपको ना अपना प्ले स्टोर को ओपन करना है और वहां पे जाके आपको पबजी न्यू स्टेट के ऊपर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो शो हो चुका है। फाइनली गाइस आपको यहाँ पे जाके प्री रजिस्ट्रेशन के ऊपर टिक कर देनी है, और यहाँ पे ही खत्म नहीं हो जाता है, यहाँ पे एक और स्टेप आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपको करना ही करना है। तो देखो गाइस, अब आपको कोई भी अपना ब्राउजर को ओपन करना है, जहाँ क्रोम ब्राउजर को भी ओपन कर सकते हो। वहां पे आपको सर्च करना है पबजी न्यू स्टेट, ठीक है, पबजी न्यू स्टेट का जो ऑफिशियल साइट है ना उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। पहला ही साइट आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इधर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ना एक नया पेज खुल जाएगा। पेज जैसे खुलेगा ना, आप लोगों को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर दी सेकेंड अल्फा, ठीक है। आपको इधर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक और नया पेज के ऊपर लेके चले जाएगा ये साइट, और वहां पे जाके ना आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल फिर से करना पड़ेगा, और यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर दी अल्फा टेस्ट जो भी है। और इसके बाद गाइस आपको ना यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसके ऊपर टिक कर देना है। जैसे आप टिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आपका आईफोन के साथ आपको अल्फा टेस्ट को करना है लॉग इन, या आपको एंड्रॉइड के साथ करना है तो एंड्रॉइड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो गाइस आपको जो सेकंड स्टेप देखने को मिल रहा है, इधर आपको वो वाला ईमेल एड्रेस डालना है जो अभी आपने सिंगापुर वाला बनाया, ठीक है। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो वीपीएन है उसको बंद नहीं करना, उसको ऑन करके रखना। अगर आप ये साइट भी ओपन कर रहे हो फिर भी आपको ऑन करके रखना पड़ेगा, और जस्ट आपको डालने का इसको कंफर्म करना, और आपका डेट शीट आपका सब कुछ हो चुका है, आप प्री रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, ठीक है। बस अब बेसब्री से इंतजार है 27 अगस्त का। जैसे 27 अगस्त आएगा तो इसके बाद आप जाके खेल सकोगे पबजी न्यू स्टेट को, ठीक है। तो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह से आपको प्री रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लेना। मैं मिलता हूं तुम्हें इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।